श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। तो अनुप्रिया पटेल, और यहाँ पर अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाना, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ये संदेश भी दे रही है कि हम सहयोगियों को, छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलने में कोई गुरेज महसूस नहीं करते हैं। और ये तब जबकि शिरोमणि अकाली दल या शिवसेना जैसे जो पुराने घटक थे उन्होंने साथ छोड़ दिया है बीजेपी का। तो यहाँ पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कहीं ना कहीं। ये पॉलिटिकल मैसेजिंग ही है। हाँ, ये पॉलिटिकल मैसेजिंग ही है। पहले ये राज्य मंत्री थी, स्वास्थ्य विभाग में राज्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्रालय में। जिस तरीके से 19 के बाद ये अलग हुई थी, मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिली थी, और जब अकाली भी बाहर चले गए, शिवसेना वाले भी बाहर चले गए, जेडीयू मंत्रिमंडल में थी नहीं, एलजेपी से रामविलास पासवान का निधन हो गया, तो आज अगर ये दो तीन नाम छोड़ दे तो रामदास अठावले को छोड़ के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बीजेपी से इतर हो और वो मोदी की सरकार में मंत्री हो। अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाकर एक तो महिला को बनाया, LSR से पढ़ी है, ये बहुत कम उम्र की है, 41-42 साल उम्र होगी इनकी, कि जो विषय तो एक युवा महिला पिछड़े वर्ग से आने वाली, तो सारा संदेश देने की कोशिश, मतलब हर बॉक्सेस में टिक होता है बिल्कुल, और पढ़ी लिखी है, LSR से इनकी पढ़ाई हुई है, तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष फिट कैंडिडेट थी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, और उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते तो नहीं होता तो शायद इस तरीके के फैसले लेते हुए आप नहीं दिखाई, नहीं दिखते प्रधानमंत्री। हेलो, बच गए। Do that.